नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका आज चार के चक्रव्यू में। बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जातीय जनगणना कराने के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर लगातार बयान देकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है और साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर भी दबाव बना रही है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके मोदी सरकार को पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी कहा था। इसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव ने भी जातीय जनगणना न होने पर जनगणना के ही बहिष्कार की बात कही थी। उन्होंने ट्वीट किया, अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े अति पिछड़ों को दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना की जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता तो फिर जानवरों की गणना करने वाले आंकड़ों का क्या हम आचार डालेंगे। लंबे समय से राजनीतिक पटल से दूर रहे लालू यादव इस मामले को लेकर काफी सक्रिय और गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव और शरद पवार से भी मुलाकात की थी और कहा था कि संसद में जनता के मुद्दों को उठाने वाली अहम आवाजें अब नहीं हैं। उनकी सक्रियता को उत्तर प्रदेश के चुनाव और बिहार की जातीय राजनीति में राजद की पकड़ मजबूत करने के नजरिए से देखा जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीय मुद्दा प्रभावी रहा है। यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव भी आने वाले हैं। जातीय जनगणना का मामला असल में ओबीसी यानी अति पिछड़ी जातियों की जनगणना का मामला है। बिहार की राजनीति में ओबीसी जातियों का बहुत प्रभाव है। राजद हो या जदयू, दोनों का वोट बैंक ओबीसी जातियां रही हैं। यहां तक कि बीजेपी को भी अति पिछड़ा वर्ग की जातियों से समर्थन मिला है। ऐसे में राजद ने जातीय जनगणना पर अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। बिहार में चुनाव भले ही ना हो लेकिन राजद संभवतः अपने ओबीसी आधार को मजबूत करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राजद को जदयू से लगभग 2x76 सीटें हासिल हुई थी लेकिन फिर भी जदयू और बीजेपी के गठबंधन के चलते राजद सत्ता में नहीं आ पाई। ऐसे में राजद मजबूत विपक्ष बनकर सामने आई है और अगले चुनावों में सत्ता में आने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। राजद अगर अपने जनाधार को बढ़ा पाती है तो आने वाले समय में उसकी स्थिति और बेहतर हो सकती है। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर इस पर कहते हैं कि राजद को सबसे ज्यादा नुकसान इसी कारण हुआ था क्योंकि अति पिछड़ी जातियों को नीतीश कुमार ने तरजीह दी और उन्हें आगे बढ़ाया। वो राजद के साथ पहले की तरह नहीं रही, इससे चुनावी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब राजद उस नुकसान की भरपाई भी करना चाहती है। बिहार की राजनीति में एक समय ऐसा रहा जब लालू यादव की छवि ओबीसी जातियों के बड़े नेता के तौर पर थी लेकिन धीरे धीरे गैर यादव जातियां जैसे कुर्मी, कोयली, कहार, बेलदार आदि राजद से छिटकते चले गए। नीतीश कुमार को भी गैर यादव ओबीसी जातियों को समर्थन मिला और अलग अलग जातियों के छोटे छोटे दल भी बनकर आए। इसमें ओबीसी की पार्टी के तौर पर राजद की छवि धूमिल हो गई। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों के बीच राजद को यादवों की पार्टी भी कहा जाने लगा। अब लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली पार्टी की छवि और ओबीसी का व्यापक जनाधार वापस पाना चाहते हैं। अगर जातीय जनगणना होगी तो पिछड़ी जातियों में अति पिछड़ी जातियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उन्हें एक वोट बैंक की तरह लिया जा सकता है। आज तक ओबीसी को पूरी भागीदारी मिली ही नहीं है। किसी वर्ग की सही भागीदारी के लिए उनकी संख्या का पता होना जरूरी है, इसलिए ओबीसी की गिनती होना जरूरी है। लालू प्रसाद यादव भी इसी मामले को उठा रहे हैं जो वो पहले भी उठाते रहे हैं। ये मुद्दा उठाने के साथ ही बीजेपी के लिए चुनौती पैदा हो गई है। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन फिर भी वो जातीय जनगणना के पक्ष में बोल रहे हैं। बिहार में सत्ता और विपक्ष की पार्टी एक हो गई है। बीजेपी के दलित और पिछड़े वर्ग के विधायक भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सबसे ज्यादा उहापोह की स्थिति में है और इस सबके बीच यूपी में चुनाव भी है। अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा बना तो बीजेपी का ओबीसी जनाधार दरक सकता है जिससे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। ओबीसी जातियों के लिए समय 27% आरक्षण की व्यवस्था जो उनकी जनसंख्या में भागीदारी के आधार पर तय की गई। ये जनसंख्या 1931 में हुई जातिगत जनगणना में सामने आई थी। 1931 तक भारत में जातीय जनगणना होती थी। 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया।
1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डाटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इसी बीच साल 2090 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, उसकी एक सिफारिश को लागू किया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर ये ठोस आधार निकल आता है तो क्षेत्रीय दलों में राजनीति का नया आधार मिल सकता है। जातीय जनगणना से पता चल जाएगा कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है। अगर किसी जाति की जनसंख्या ज्यादा निकलती है तो उसके लिए सुविधाओं और आरक्षण की मांग हो सकती है। चुनाव में उसकी भागीदारी से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, ऐसे में राजद को भी इन नए समीकरणों की उम्मीद हो सकती है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि ये मसला फिलहाल राजनीतिक स्तर पर ही है, क्योंकि असली फायदा तभी मिलेगा जब ओबीसी के उपवर्ग के अनुसार आरक्षण मिले। इसके लिए जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है। पहले आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई तक था, फिर इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को लेकर लगातार आवाज उठ रही है। विपक्ष की कई पार्टियों के द्वारा उठाई जा रही इस आवाज के बीच अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी इसकी मांग कर दी है। वहीं जनता के बीच पैच बनाने की तेज होती होड़ में समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा एक ओर पिछड़ी जातियों के सम्मेलनों का सिलसिला तेज कर दिया है, तो वहीं पिछड़ों के सवाल पर बीजेपी को भी निशाने पर लिया हुआ है। सपा लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मंगलवार को लोकसभा में जब ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तब बीजेपी की ओर से संघमित्रा मौर्य ने अपनी बात रखी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को इसका अधिकार दे दिया है। संघमित्रा मौर्य के इस बयान से खुद भाजपा के कई लोगों भी हैरानी में पड़ते दिखे। संघमित्रा मौर्य ने सदन में कहा कि कांग्रेस की जो सरकारें ना कर सकी उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में मवेशियों की गिनती होती थी, लेकिन पिछली जाति के लोगों की सही गिनती नहीं होती थी। महोदय, जनता के हक और अधिकार की यदि बात की गई होती तो आज जनता अपना हक और अधिकार पाने के लिए आपको सत्ता से बाहर नहीं करती। आज आप सत्ता से बाहर हैं तो उसका मुख्य कारण जनता और उसके जनता के हकों और अधिकारों का हनन करना है। तमाम घोटालों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मजरूमों के हिस्से और अधिकारों का भी आपने घोटाला किया, उनको भी आप खा गए हैं। माननीय जनगणना की रिपोर्ट सभी जाति की संख्या, उसकी शैक्षणिक और आर्थिक हालात पर होती रही है। शुरुआत 1881 में हुई थी, लेकिन उस समय फोकस जाति पर नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, मातृभाषा। बीजेपी सांसद ने कहा कि 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई तब देश में 52% ओबीसी थे, लेकिन अब किसी को कोई नंबर की जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती तो ओबीसी समुदाय को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य उत्तर प्रदेश में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बदायूं से सांसद हैं। लोकसभा में मंगलवार को ओबीसी आरक्षण बिल के मसले पर बोलने वाली वो भाजपा की पहली सांसद थी। बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से मांग उठाई जा रही है। अब जब अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव है, तब पिछले कुछ दिनों में ये मांग अचानक से तेज हो गई। सबसे पहले बिहार की राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी मांग की। तेजस्वी यादव ने इस मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। देश में विपक्षी पार्टियों के द्वारा और काफी कई नेताओं के द्वारा जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। हो सकता है कि उनके नज़र में वो बेहतर हो, अच्छा हो। कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों के द्वारा मांग आई है, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी किसी जात और पंथ की राजनीति से बहुत दूर है। हम जात और पंथ की राजनीति नहीं कर रहे हैं। देश में 135 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी
माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हमेशा उनकी बात करते हैं, उनके सुख दुख में वो सहभागी होते हैं और एक आम जनमानस से लेकर और खास लोगों तक वो सब तक अपनी पहुंच बनाकर उनसे वार्ता करके उनसे कनेक्ट रहते हैं। हो सकता है जरूरी हो कि जातिगत जनगणना कर ली जाए, लेकिन आज के परिदृश्य में हमको जाति और पंथ से दूर रहना चाहिए, दूर होना पड़ेगा, क्योंकि देश को बहुत ही विकट अंधेरे में ये जाति की राजनीति लेकर जाएगी। आज हम कुछ दलों को देखते हैं जिनका निर्माण, जिनका उद्भव ही हुआ है उसी जातिगत आधार पर, कहीं दलितों के आधार पर, कहीं यादवों के आधार पर, कहीं किसी समाज के आधार पर लोगों ने किया है, और वो छोटे छोटे दलों को बनाकर और आज अपने जाति के लोगों के साथ वो छल कर रहे हैं। बात करिए सर्व समाज की, बात करिए पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, तो बेहतर लगता है कि सबका उत्थान और सबका नवनिर्माण हो। मगर क्या है, आप अपनी जातियों के वोट को आप लोगों ने देखा होगा, जाति के नाम पर राजनीति करके पार्टी बनाकर और जातियों के वोट को बेचने का काम, टिकट को बेचने का काम ये पार्टियां करती हैं और अपने जातियों को छलने का काम करती हैं ये। इसलिए जातिवार जनगणना का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है, जनगणना होती है, सब एक समान है, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। एक राष्ट्र इस समय है, एक निशान एक संविधान की बात चली रही है और हो चुका है, धारा 370 हटा देखिए, वहां क्या जातियां कहीं आड़े नहीं आई, सबको स्वाधीनता के का झंडा लहराने का मौका मिला। कि आज तिरंगा जो है लाल चौक पर जो झंडा नहीं लहराया जाता था वो झंडा लहराया गया है, तो एक निशान एक संविधान की बात हो रही है। आज जातिगत मतगणना और जातिगत जनगणना करके लोग जो है देश को किस तरह दिशा में ढकेलने का काम कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है और इसका बहुत खुले दिल से स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। खुद नीतीश कुमार भी लंबे वक्त से जातिगत जनगणना के पक्षधर रहे हैं। नीतीश कुमार की ओर से इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में चिट्ठी लिखी गई। नीतीश ने कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार है। बता दें कि बिहार में भाजपा और जदयू इस वक्त साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बीते दिनों लोकसभा में इस बात का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सिर्फ ओबीसी समुदाय का वोट लेना चाहती है, अगर चिंता है तो सरकार को तुरंत जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ ही अपना दल की ओर से भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया गया। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने सदन में बता दिया गया था कि भारत सरकार की ओर से अभी जातिगत जनगणना कराने की कोई तैयारी नहीं है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को बीजेपी पर ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाया जाए और जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी किया जाए। उन्होंने लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान विधेयक 2021 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। कभी ट्रैक्टर, कभी साइकिल, कभी नाश्ता तो कभी चाय पर चर्चा। इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक गहमा गहमी और बैठकों के दौर को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि देश में विपक्षी दलों का एक साझा मोर्चा बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी सफल हो पाती है ये देखने वाली बात है। रिपोर्ट देखिए। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी या शरद पवार में से कौन विपक्ष के मोर्चे का नेतृत्व करेगा, लेकिन हाल ही की इस राजनीतिक गहमा गहमी ने अटकलों के नए दौर की शुरुआत तो कर ही दी है। ममता बनर्जी 3 दिन के हालिया दिल्ली दौरे के बाद कोलकाता लौट गई थी। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और इन नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और सोनिया गांधी प्रमुख रहे थे। उन्होंने विपक्ष के दूसरे कई नेताओं के साथ भी बैठक की। हालांकि ममता बनर्जी और शरद पवार की आपसी मुलाकात नहीं हो सकी। दोनों ही नेताओं से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बहुत जल्द इनकी मुलाकात हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी विरोधी मोर्चे को एकजुट करने को लेकर बातचीत बीते कई दिनों से तेज हो गई है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद ऐसी कोशिशों को काफी बल मिल गया है और कोरोना की भयावह दूसरी लहर, महंगाई के बढ़ते और अर्थव्यवस्था के सामने गहरी चुनौतियों के आ खड़े होने से मोदी सरकार की लगातार जमकर आलोचना हो रही है। इन सभी हालातों ने विपक्ष के प्रस्तावित नए मोर्चे को आकार देने की उर्वर भूमि मुहैया करा दी है। फिलहाल विपक्ष के संभावित मुहिम के केंद्र में दो नेता आ खड़े हुए हैं, एक शरद पवार और दूसरी ममता बनर्जी। दोनों अपने अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक कुशलता और रणनीति से बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में कामयाब रहे हैं। शरद पवार ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जहां समावेशी राजनीति का सहारा लिया और एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस को साथ लाकर अपना मकसद पूरा करने में कामयाब रहे। वहीं ममता बनर्जी ने अपना लक्ष्य पाने के लिए पुरानी आक्रामक बांग्ला राजनीति का सहारा लिया और ऐसा करके वो तीसरी बार अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के व्यक्तित्व की लड़ाई में लगभग हर बार मोदी ही कामयाब हुए हैं। ऐसे में विपक्ष का नया चेहरा कौन बनेगा, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे हालात में शरद पवार और ममता बनर्जी की राजनीतिक सक्रियता लोगों का काफी ध्यान अपनी ओर खींच रही है। राष्ट्रीय मंच नाम के एक राजनीतिक मंच को बनाने के लिए पवार ने हाल ही में कई विपक्षी नेताओं और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से दिल्ली में मुलाकात की है। वहीं अपने दिल्ली दौरे में ममता बनर्जी ने भी ऐसी कोशिशें वो कर चुकी हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार की भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर पिछले कुछ हफ्ते में कई बार शरद पवार से मिल चुके हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ममता बनर्जी और शरद पवार में से कौन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। शरद पवार पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री के दावेदारों की सूची में शामिल रहे हैं, चाहे वो जब कांग्रेस में रहे हों या कांग्रेस छोड़ने के बाद भी। यहां तक कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के दो बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेने के बाद भी शरद पवार का नाम हमेशा चर्चा में बना रहा है। जब कभी कांग्रेस और बीजेपी के इतर तीसरे मोर्चे की बात चली तब सबसे आगे पवार का नाम ही सामने आया है। ऐसे में जब शरद पवार ने पिछले कुछ महीनों में लोगों से मुलाकात करनी शुरू की तब ये पूछा जाने लगा कि क्या वो नए मोर्चे की योजना बना रखे हैं। हालांकि खुद शरद पवार ने कभी इस बारे में किए जा रहे प्रयास को स्वीकार नहीं किया है। दरअसल राष्ट्रीय मंच की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि वो अतीत में इस तरह की चीजें कई बार कर चुके हैं और फिर भी ऐसा करने को लेकर वो अब इच्छुक नहीं है। हालांकि पवार की पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार देश में बीजेपी विरोधी मोर्चे को आकार देने के लिए कई लोगों से बात कर रहे हैं। अगर हम देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर आकलन करें तो शरद पवार उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनके पास बीजेपी विरोधी ताकतों को एकजुट करने की क्षमता दिखती है। उनके पास न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है बल्कि वो गठबंधन की राजनीति से भी बखूबी अवगत हैं। वहीं शरद पवार के करीब करीब सभी दलों और उनके नेताओं से अच्छे संबंध हैं, वो चाहे सत्ता में रहे हों या ना रहे। उनके नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी दोनों से ही संवाद कायम रहे हैं। गठबंधन की राजनीति की मांग होती है कि इसके नेता के पास सबको साथ लेकर चलने की क्षमता हो। पवार के अंदर ऐसी क्षमता पहले से ही रही है। हालात ये है कि महाराष्ट्र में पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से उनकी पार्टी एनसीपी की प्रतिद्वंदी रही शिवसेना को लेकर उन्होंने सर्वसमावेशी राजनीति का कार्ड खेला है। ऐसा करके वो न केवल अपनी पार्टी को सरकार में शामिल करवाने में सफल रहे बल्कि बीजेपी को सरकार बनाने से रोका भी है। ऐसे में पवार के बारे में माना जाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी नए दोस्त बनाने और अपने दोस्तों को साथ लेकर चलने में कामयाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। शरद पवार हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे चुनाव अभियान हो या फिर विधानसभा सत्र। हालांकि उनके उम्र के विपक्ष की अगुवाई करने की उनकी कोशिशों के रास्ते आ सकती है। साथ ही बतौर राजनेता अप्रत्याशित फैसला लेने वाली उनकी छवि उनके लिए बड़ी बाधा भी बन सकती है। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे शायद 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी खेमे के प्रत्याशी बने। बताया भी जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति चुनाव में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2024 के लिए बनने वाला विपक्षी गठबंधन क्या 2022 में ही आकार ले लेगा। वहीं शरद पवार की तरह ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली दौरे के बाद उन्होंने कहा है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो गई करने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि आगे से वे हर कुछ महीने के बाद दिल्ली का दौरा करती रहेंगी।
ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति के लिए नई नहीं हैं। ऐसे में बंगाल जीतने के बाद क्या वो आसानी से विपक्ष का चेहरा बनने में कामयाब हो जाएंगी? कई चीजें ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हैं। दरअसल शरद पवार के बाद ममता बनर्जी ने ही दिखाया कि बीजेपी को सत्ता में आने से सफलता पूर्वक रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि बीजेपी की तरह दूसरी पार्टियां भी चुनावी अखाड़े में आक्रामक रुख अपना सकती हैं। पवार की तरह उन्होंने ये भी दिखाया कि चुनाव तब भी जीते जा सकते हैं जब पार्टी के लोग उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लें। ममता के चुनाव अभियान और उनकी जीत ने उनकी लोकप्रियता को पूरे देश में फैला दिया है। इतना ही नहीं, मौजूदा हालात में महिला होना भी उनके पक्ष में जाता है। दरअसल ममता बनर्जी एनडीए और यूपीए दोनों की केंद्रीय सरकारों में मंत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। ऐसे में गठबंधन की राजनीति से वो काफी परिचित हैं और माना जाता है कि ममता बनर्जी के सभी दलों में करीबी लोग भी हैं। साथ ही सोनिया गांधी से भी उनके बेहतर संबंध रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी का आक्रामक व्यक्तित्व समावेशी किस्म की राजनीति के रास्ते में बाधा बन सकता है। वो अपने तुनक मिजाज स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। उनका ये व्यवहार पहले के गठबंधनों के दौरान कई बार बाधा खड़ी कर चुका है। ऐसे में ये देखना अभी बाकी है कि विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने के दौरान ममता बनर्जी क्या शरद पवार की तरह जरूरी राजनीतिक धैर्य दिखा सकती हैं या नहीं। दरअसल ममता बनर्जी से दिल्ली में जब पूछा गया कि क्या वो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने जा रही हैं, तो उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। हालांकि उनकी सक्रियता इसका उत्तर ज्यादा बेहतर ढंग से दे रही थी। वहीं शरद पवार और ममता बनर्जी की सक्रियता के बावजूद मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए विपक्षी खेमे का एक चेहरा या उनके बीच गठबंधन की संभावना बहुत कम है। और अगर किसी के सामने आने की जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे ये काम क्यों नहीं कर सकते। संजय राउत ने एक बार ये कहा था कि उद्धव ठाकरे के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की योग्यता है। अन्य संभावित नामों में अखिलेश यादव और मायावती भी हैं, लेकिन ये नेता संसद में केवल सदन के प्रबंधन की भूमिका निभा सकते हैं, वो विपक्ष का चेहरा नहीं बन सकते। वहीं कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि यूपीए की कोई केंद्रीय ताकत नहीं बची है। इसके अलावा दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की भी उतनी ही विरोधी हैं जितनी बीजेपी की। इसीलिए विपक्ष मोर्चे को आकार लेने में अभी वक्त लगेगा और हाल ही में गतिविधियां केवल संसद में विपक्ष का एक ढांचा बना सकती हैं। विपक्ष का ये रूप अगर आगे भी बना रहा तो एक नया गठबंधन बन सकता है और शरद पवार इसके संयोजक बन सकते हैं। हमें अभी देखना होगा कि अगले 3 सालों में क्या होने वाला है। जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी और शरद पवार दोनों मिलकर विपक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के पोस्टर बॉय नहीं बन सकते। वहीं ममता ने दिखाया है कि कैसे मोदी को चुनाव मैदान में परास्त किया जा सकता है। वहीं शरद पवार ने बताया कि कैसे रणनीति बनाने के मामले में मोदी को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। ऐसे में ये जरूरी होगा कि ममता और पवार दोनों नेता हाथ मिलाएं और 2019 में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी को सबसे पहले महाराष्ट्र में हार मिली थी। महाराष्ट्र ने जो नींव डाली थी उसे बंगाल ने क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया। हालांकि हमें समझना होगा कि क्षेत्रीय नेताओं के लिए पूरे देश का चेहरा बन पाना काफी कठिन होता है। महाराष्ट्र या बंगाल की जीत से आप राष्ट्रीय चेहरा नहीं बन सकते और इसी जीत की अपनी सीमाएं होती हैं। वहीं पोस्टर बॉय कोई एक ही होता है और उदाहरण के लिए राहुल गांधी भले ही जीत ना पाए हो, लेकिन हर कोई इस पर सहमत है कि वो राष्ट्रीय नेता है। ममता और पवार भले ही एक गठबंधन के लिए साथ आ जाएं, लेकिन फिर भी उन्हें एक राष्ट्रीय चेहरे की जरूरत तो होगी ही। वैसे सभी संभावित समीकरणों के लिए उत्तर प्रदेश और राष्ट्रपति के चुनाव कसौटी साबित होंगे। इन चुनावों में शरद पवार और ममता बनर्जी की भूमिका आगे की रणनीति की तमाम संभावनाओं की दशा और दिशा दोनों को तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे तमाम मुद्दों के साथ। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।